लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडर एप्लीकेशन देखा था। ये स्लाइडर को कैसे मूव करके अनलॉक वैल्यू एडजस्ट कर सकती है। और इस वीडियो के हम लोग मीटर बनाना देखेंगे, जैसे वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर या कोई भी मीटर बना सकते हैं, और उसको कैसे एनिमेशन प्रोवाइड कराना है। मीटर बनाने के लिए रेक्टेंगल लेते हैं, उसका डिस्प्ले रेक्टेंगल को फिल और मीटर का जो कलर है डिस्प्ले का लाइट येलो रखते हैं। फिर मीटर की नीडल बनाते हैं लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करके अगर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। और इसको 3D इफेक्ट में रेज्ड ऑप्शन दे देते हैं। नीडल को हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं। मीटर आपने अगर देखा हो तो कॉर्नर साइड पर जहाँ पर वो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट मैकेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा प्लेट होता है, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया हुआ है। और मीटर को इफेक्ट देने के लिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको बॉर्डर बनाने के लिए, और थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। इसका कलर बैकग्राउंड कलर जो मीटर पर रखना है, और इसके ऊपर इसको सेंड टू बैक करते हैं, अरेंज सेंड टू बैक। और टेक्स्ट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसको बोल्ड करना होगा। टेक्स्ट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं इसको। और इसको कॉपी पेस्ट करके जीरो, और इस नंबर को कॉपी पेस्ट करके जीरो। सपोज कीजिए मैक्सिमम वैल्यू 500 का मीटर है, तो 500 वोल्ट यहाँ प्लेस कर देते हैं द टॉप साइड, और इन बिटवीन कुछ वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं 100। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने ऐसा प्लेस कर दिया, 0, 100, 200, 300, 400 ऐसा वोल्ट मीटर। तो ये एक वोल्ट मीटर जैसा लुक आने लगा है। और अब हम लोग इसको एनिमेट करते हैं, इस नीडल को। तो फिलहाल हम इसको यही टैग यूज़ करते हैं जो इसमें हम लोगों ने यूज़ किया था। तो ये टैग है एनलॉग टैग 1, जिसकी इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से 10 रेंज है। तो इसी अटैक को एनिमेशन नीडल पे देते हैं। तो नीडल में एनिमेशन देने के लिए नीडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, नीडल को सिलेक्ट करना होगा। अभी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टीज सिलेक्टेड है, और ये नीडल अब सिलेक्ट हुआ है जाके। तो इसकी इसमें एनिमेशन देने के लिए मूवमेंट में आना होगा। मूवमेंट में राइट साइड पे आप देखिए, हॉरिजॉन्टल टैब है, वर्टिकल टैब है, और रोटेशनल टैब है। तो रोटेशनल टैब में हम लोग वो लिखेंगे एनलॉग टैग 1, ये एक्सप्रेशन रहेगा। और इसमें
स्टैक का जो वैल्यू है 0 से 10 मूव करना है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है 0 से 10। और इस ये एंगल लिखिए एट मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम एंगल क्या है और मैक्सिमम एंगल क्या है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज का मैक्सिमम क्या है, तो हम लोग 90 डिग्री मूव करना है, तो यहाँ पर 90 करना होगा, ये क्लॉकवाइज रहेगा 90 डिग्री 0 से। और ये देखिए सेंटर एक्सिस ऑफसेट, ये अभी सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट है लाइन हमारा अभी ये मूवमेंट इसके सेंटर से करेगा, हम लोग चाहते हैं कि राइट साइड बिल्कुल राइट पॉइंट से करे, राइट करने के लिए इस ऑप्शन पे आना होगा यहाँ पर, और इसको सेलेक्ट करके इसको राइट पे करना होगा। तो देखिए मिडिल राइट आ गया राइट साइड, ये ऑब्जेक्ट के राइट साइड से यह मूवमेंट करेगा। तो ये सेटिंग्स होने के बाद हम लोग इसको ओके कर देते हैं और हमारा ये मीटर कंप्लीट है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कैसे चलता है। तो देखिए रन मोड पे आ गया है अपना स्कैडा, और ये स्लाइडर वैल्यू है, तो इसको हम लोग जब मूव करें डाउनवर्ड्स तो देखिए नीडल कैसा रोटेशनल मूवमेंट, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 से 10 होगी तो उसका वोल्टेज स्केल फुल हो रहा है मीटर का। होप ये एनिमेशन करके हम लोग वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर या कोई भी और भी मीटर हम लोग अपने लिए डेवलप कर सकते हैं।